इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्त यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो चैप्टर है आपका उसका नाम है स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट इससे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो कि आपके चार साल अधिकतर आप ये देखते होंगे कि डिप्लोमा में इतने साल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते लेकिन यहाँ पे स्पेशली आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपका कितना इम्पोर्टेंट है तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि स्नेहक को परिभाषित कीजिए लुब्रिकेंट क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है तो देखिए ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं ऐसी दो धातुएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं और उनसे घर्षण उत्पन्न हो रहा है ठीक है तो ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनके बीच में अगर हम लगा दें तो उन उन धातु की सतहों के मध्य जो है वो एक पतली परत बना देंगे और उनके संपर्क को रोकेंगे जिनसे उसमें घर्षण कम होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यही कहा है कि इस गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध एवं घर्षण उष्मा के कम करते हैं जाहिर सी बात है कि मान लीजिए एक ये वाला आपका मेटल है और एक ये वाला मेटल है तो इसकी गति इधर हो रही है और इसकी गति इधर हो रही है तो इनके बीच जो है घर्षण उत्पन्न होगा तो इसमें जब हम लुब्रिकेंट लगाते हैं कोई भी तेल लगाते हैं लुब्रिकेंट तो ये इनके जो सरफेस जो जहां पे ये टच कर रहे हैं वहां पे एक पतली परत बना देता है पतली परत बनाने के पश्चात इन दोनों के सीधे संपर्क को रोकता है जिनसे इनके बीच में का घर्षण जो है वो कम होता है तो वे पदार्थ जो दो वी, दो विपरीत दिशा में दिशा में गति करने वाले धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं स्नेह कहलाते हैं ठीक है इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध और घर्षण उष्मा कम होती है ठीक है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो जो धातुओं के रगड़ से घर्षण उत्पन्न होती है और जो घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है जब भी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आप जानते हैं कि उष्मा उत्पन्न होती है तो इनके कारण इनका प्रयोग करने से वो घर्षण भी कम हो जाता है और उससे उत्पन्न उषमा भी कम हो जाता है क्योंकि उनके बीच में एक पतली लेयर बना लेते हैं जिनसे उनका संपर्क नहीं हो पाता है और घर्षण नहीं होता है और घर्षण नहीं, और घर्षण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उष्मा नहीं उत्पन्न होगी ठीक है इस चीज़ को समझिए और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप यहां पे देख पा दो हजार बारह दो हजार चौदह दो हजार अठारह दो हजार सोलह इतने साल ये क्वेश्चन पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्नेह की क्या आवश्यकता है इसकी नीड्स क्या क्या है ठीक है ना कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी स्नेहक की यह भी क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ पे 2005 2006 2004 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे भाई देखिए घर्षण का जो है वो कम करने के लिए हम स्नेह का उपयोग करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग करते हैं स्नेहक एक तेल की भांति होता है जिसके मदद से हम किसी भी धातु सतहों के सरफेस के मध्य एक पतली परत बना देते हैं पतली परत बन जाती है जिससे उनके बीच का संपर्क टूट जाता है यानी कि ज़्यादा घर्षण नहीं हो पाता है ठीक है तो स्नेहक की आवश्यकता धातु संयंत्रों में निम्न कार्यों के लिए होती है कौन कौन से कार्य नंबर एक घर्षण कम करना जाहिर सी बात है कि दो जब विपरीत दिशा में धातु की सतह गति करेगी तो उनसे घर्षण उत्पन्न होगा लेकिन लुब्रिकेंट का जब प्रयोग करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है टूट फूट कम करना भाई देखिए घर्षण से जब घर्षण एक इस दिशा में गति कर रहा है कोई मशीन कोई ये पार्ट है ये इस दिशा में गति कर रहा है कोई ये पार्ट है जो इस दिशा में गति कर रहा है तो जब इसमें रगड़ उत्पन्न होगा तो टूट फूट होगी ही तो टूट फूट को कम करता है जब भी हम लुब्रिकेंट प्रयोग करते हैं तो उनसे संपर्क बहुत कम होता है उनकी सतहों के बीच क्योंकि एक पतली सी लेयर बन जाती है ठीक है जिससे उनके सतहों के बीच संपर्क कम होता है और घर्षण कम होता है जिससे टूट फूट कम होगी ठीक है तीसरा प्रभाव है कि शीतलक प्रभाव उत्पन्न करना ठंडा करना जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि घर्षण को कम करने के लिए या फिर घर्षण उष्मा को कम करने के लिए जब रगड़ होगी दो धातुओं में तो उष्मा उत्पन्न होगी लेकिन जब हम इसका उपयोग करेंगे लुब्रिकेंट का जब स्नेहक का उपयोग करेंगे तो घर्षण नहीं होगी और घर्षण नहीं होगी तो वो गर्म भी नहीं होगा जिससे वो शीतलक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा यानी कि ठंडा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है कुशन प्रभाव उत्पन्न करना उसके बाद से है आपका ऊर्जा की बचत करना ऊर्जा की कैसे बचत होगी जब घर्षण होगा ही नहीं जब रगड़ होगा ही नहीं तो अधिक कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा जिससे हमें ऊर्जा की बचत होगी नेक्स्ट है आपका ध्वनि को कम करना भाई देखिए जब भी घर्षण होगा तो घर्षण कब होता है जब ध्वनि घर्षण होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती ही है जब किसी भी दो धातु की सतह जो है विपरीत दिशा में गति करेंगे तो टक्कर होगा टक्कर से ध्वनि उत्पन्न होगी तो जब लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे तो ध्वनि भी हमको कम मिलेगी यानी कि ध्वनि को कम कर सकते हैं हम इसके प्रयोग से नेक्स्ट है आपका कि मशीनों का जीवन काल बढ़ाना जब भी उसमें रगड़ कम होगी तो वो घिसेगा नहीं घिसेगा नहीं तो इसके जीवन काल बढ़ जाएगा प्रभावी सील प्रदान करना तथा अशुद्धियों को दूर करना तो ये सारे जो है वो लुब्रिकेंट के आपके उपयोग हैं तो आई थिंक आपको ये उपयोग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग आता है तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से तैयार रखिएगा ठीक है नेक्स्ट आपका है कि स्नेहक के कार्य कर कार्य करने की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है तो देखिए भाई क्रिया करने की विधि जो है इसकी तीन प्रकार की होती है पहला होता है मोटी परत या तरल परत स्नेहन मोटी परत के रूप में ये जो है वो स्नेहन करता है यानी कि लुब्रिकेंट यूज होता है मोटी परत के रूप में ये कार्य करता है दूसरा है पतली परत या सीमा स्नेहन भी से कहते हैं इसके रूप में इसकी क्रिया होती है और तीसरा है चरम दाब स्नेहन ठीक है तो ये तीन रूप में जो है वो कार्य करने की क्रियाविधि तीन प्रकार की इसकी है मोटी परत या तरल परत स्नेहन पतली परत या सीमा स्नेहन और चरम दाब स्नेहन तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए सो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि औजार की धार को नष्ट होने से बचाने के लिए किस तेल का प्रयोग करते हैं तो देखिए औजार की धार जो है वो नष्ट होने से बचाने के लिए हम इसमें कर्तन तेल का प्रयोग करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं ठीक है जब भी औजार होता है उसका उपयोग करते हैं तो घर्षण के कारण वो गर्म होने लगता है और गर्म होकर इसकी जो धार है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इससे बचाने के लिए हम कर्तन तेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि कर्तन तेल की एक खासियत ये होती है कि वो ताप को यानी कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है उसका शोषण कर लेता है और जब टेम्परेचर को शोषण कर लेगा तो वो औजार गर्म नहीं होगा और गर्म नहीं होगा तो वो टूटेगा नहीं ठीक है तो औजार को औजार की धार को नष्ट होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते, है? करते हैं करतन तेल का प्रयोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वनस्पति स्नेहक तेल किस प्रकार की मशीनों में प्रयुक्त होता है तो वनस्पति स्नेहक तेल जो है वो अधिक सगंधता और कम श्यानता ये ध्यान में रखिएगा वनस्पति स्नेहक तेल जो होता है वो अधिक सगंधता और कम श्यानता इसमें होती है और इसका उपयोग जो है वो हम दाब तथा अधिक गति की मशीनों में करते हैं ठीक है वनस्पति स्नेहक तेल में क्या होती है अधिक सिगंधता और कम श्यानता होती है तथा इसका उपयोग हम दाब तथा अधिक गति की मशीनों में करते हैं नेक्स्ट है आपका कि ठोस स्नेहक का उपयोग कहाँ किया जाता है तो ठोस स्नेहक का उपयोग उच्च ताप एवं उच्च दाब पर किया जाता है जहाँ भी हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम ठोस स्नेहक का उपयोग करेंगे ये स्नेहक उन मशीनों एवं यांत्रिक उपकरणों में प्रयुक्त किए जाते हैं जहाँ उच्च ताप पर दाब उच्च ताप पर द्रव जो है वो स्थिर नहीं होते हाई टेम्परेचर पे जो द्रव होते हैं जो लिक्विड्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते वहाँ पे हम उसका ठोस स्नेहक का उपयोग करते हैं स्नेह का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे उच्च ताप और उच्च दाब पर किया जाता है एक तो ये हो गया और ये उन मशीनों यांत्रिक उपकरणों में यानी कि मैकेनिकल डिवाइस में करते हैं और किसी भी मशीनों में करते हैं जहाँ पे उच्च ताप पर जो द्रव है वो स्थिर नहीं होते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन सारे जो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ होगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए और हां जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में मोटिवेशन लाइन सुनी तो ऐसी ही अगर मोटिवेशन लाइन सुनना चाहते हैं और मोटिवेट हमेशा रहना चाहते हैं अपनी स्टडी को लेके तो आप हमारा दूसरा चैनल मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है मोटिवेशन वाले भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मोटिवेशन वाले भैया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद